हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द मलंग मैन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होगी? क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी अपाचे 200 ने की मेरी ड्रैकारिस के बारे में। उसमें जो भी ट्रैवलिंग या टूरिंग से रिलेटेड जो भी मैंने मॉडिफिकेशंस कराए हैं, जो भी एक्सेसरीज डलवाई हैं, आज उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या लगवाया है, क्यों लगवाया है, किस वजह से लगाया और मेरे कितना वो काम आया है लगवाने के बाद या काम नहीं आया है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें काम ही आई हैं तभी मैंने लगवाई हैं। एंड ये जो भी चीज़ें लगवाई हैं, अभी तक बाइक को ओन किए हुए 1 साल 7 महीना हो चुका है। तो इस पूरे पीरियड के टाइम में मैंने थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें लगवाई हैं, जैसे जैसे मुझे महसूस हुआ है। एक साथ मैंने कोई भी चीज़ नहीं लगवाई है। तो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोग ने यार वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप देखना चाहते हैं मुझे अपनी बाइक पर ट्रैवल करते हुए, तो मेरी ट्रैवल प्लेलिस्ट भी चेकआउट ज़रूर करिए, लिंक इज़ ऑल इन डिस्क्रिप्शन। एंड चलिए एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो ये रही मेरी बाइक। बाइक तो आपने देख ही ली होगी कितनी प्यारी लगती है और कितना पर्पसफुली मैंने इसको बिल्ड किया है। जो भी चीज़ें इसमें लगाई हैं उन सब का कोई ना कोई काम है, और वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ें कोई ना कोई तरीके से काम ज़रूर आई है। तो सामने से सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पीछे की तरफ जाएंगे, एक एक चीज़ मैं आपको चलो डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। ये सामने विंडस्क्रीन, आप जो मेन विंडस्क्रीन देख रहे हो, ये आती है लूविया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। ये विंडस्क्रीन मैंने परचेज़ की थी 1 साल पहले। 1 साल तो मैं कम से कम इसको 22,000 किलोमीटर विंडस्क्रीन को यूज़ कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छी विंडस्क्रीन है, प्लग एंड प्ले है, आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक अबव आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको आप विंड डिफ्लेक्टर या विंडशील्ड एक्सटेंडर भी बोल सकते हो। ये आता है प्रोस्पेक्ट की तरफ से। अब ये मैंने रिसेंटली ही लगाया है, इसको मैंने 6 महीने पहले ही लगवाया था। मुझे ऐसी नीड महसूस हो रही थी कि कुछ जगहों पे जहाँ पे विंड ज़्यादा है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट की और थोड़ी सी हाइट की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट मिल जाता है। ये जो आप ये पोर्शंस देख रहे हो, ये इसके लेवल है, ये पूरा ऊपर नीचे अच्छे से काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी इसमें मिल जाती है। तो मुझे अपने हिसाब से उस एरिया में कितनी हवा चल रही है, मुझे कितना चाहिए, तो मैं इसको फाइन ट्यून अपने पूरे विंडशील्ड के सेटअप को फाइन ट्यून कर सकता हूँ। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक नंबर प्लेट प्रोटेक्टर या नंबर प्लेट की केसिंग कह सकते हो आप। ये जो आपकी HSRP जो ये नंबर प्लेट होती है ना, ये काफ़ी पतली होती है, तो ये कई बार मुड़ जाती है, कभी बाइक गिर गई तो भी मुड़ जाती है, तो ये इसको मुड़ने से बचाता है। तो नंबर प्लेट सीधी रहती है और कभी टूटती नहीं है। फिर आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आप देखो अंदर आपको LED बल्ब दिख रहा होगा। यस, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में चेंज किया है, ये आता है सिमटेक की तरफ से। एंड जो भी मैंने इसमें एक्सेसरीज़ लगाई हैं उसमें से कई ऐसी हैं जो अपाचे के लिए ही बनी हैं, अपाचे 200 या 160 दोनों में से कोई भी। तो जो LED बल्ब मैंने ये सिमटेक के लगवाए हैं, ये अपाचे 200 के लिए ही आते हैं। सामने आपको 2 पेयर लाइट्स की दिख रही होंगी, ये है मैडॉग की लाइट्स, ये है स्काउटेक्स, ये है अल्फ़ा। जो अल्फ़ा लाइट है वो मैंने बाद में लगवाई थी, स्काउटेक्स मेरी बाइक में शुरू से लगी हुई है। स्काउटेक्स जो है मेनली सिटी में काफ़ी काम आ जाती है, जब मुझे कहीं दिख नहीं रहा होता तब मैं उसे ऑन कर लेता हूँ, और बाकी हाईवे टूरिंग में तो काम आ ही जाती है। जो अल्फ़ा है वो मेरी मेन लाइट है, ये मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं पहाड़ों में रात में चलाता हूँ, या कहीं रात में चलाता हूँ या हाईवे पे या रात में कहीं पहुँचते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट है। दोनों का सेटअप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे अच्छी खासी विजिबिलिटी आगे मिल जाती है, ताकि हम अच्छे से देख सकें, सेफली अपनी जगह पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। फिर नीचे आप देख रहे हो, ये एक दूसरा टायर मैंने लगवाया था अपोलो की तरफ से। ये अपोलो का नया टायर आया है,
दिस इज़ द ट्रैम्पलर एस टी फ्रॉम अपोलो। इसका ट्रेड पैटर्न आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेड पैटर्न है। एंड दिस इज़ अ डुअल पर्पस टायर। इसको मैंने अभी अपनी लोअर मुस्तांग वाली राइड में यूज़ किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप नया टायर देखना चाह रहे हो अपनी कोई भी 200 से 300-400 सीसी बाइक के लिए, तो ये वाला टायर ज़रूर देखना, बहुत बेहतरीन टायर है। अपनी बाइक पे मैंने लोअर मुस्तांग कर रखा है। यस, इसको लेके मैं लोअर मुस्तांग गया था, तो लिंक अबव आ रहा होगा, पूरी सीरीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करना। अब इसमें जो मैंने लाइट्स का इंस्टॉलेशन किया है, क्योंकि ये लाइट्स मैडॉग की तरफ से आती है, तो मैडॉग वायरिंग हार्नेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बैटरी पे कोई लोड नहीं पड़ता है। और अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो बाइक में आग नहीं लगेगी, ना ही आपकी बैटरी ख़राब होगी, ना ही आपकी बाइक के इलेक्ट्रिकल्स ख़राब होंगे या आपकी लाइट ख़राब होगी। तो ये इस तरीके का कपलर टू कपलर वाला काम किया है मैंने। और जो केबल की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आप देखो, ये आपको ब्रेडेड केबल दिख रही होगी, ये हीट रेजिस्टेंट केबल है, वाटरप्रूफ पूरा सेटअप है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैडॉग अपनी लाइट्स में 1 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करता है, तो और मेड इन इंडिया कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप चाहो तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना, मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन की बात करने। तो अगर आप ट्रैवल करते हो, लॉन्ग डिस्टेंसेज, रिमोट एरियाज जाते हो, जैसे मैं जाता हूँ, डैश प्रोटेक्शन इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे कंपलसरी ये नहीं है कि आप इस तरीके का फुल क्रैश गार्ड लगाओ। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट आता है कि आपको अपने इंजन को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप सिर्फ इतना क्रैश गार्ड भी लगाते हो तो वो भी आपके लिए परफेक्टली काम करेगा। बट क्योंकि मुझे लाइट्स भी इंस्टॉल करानी थी और यहाँ पे मैं अपने बैग्स भी लगाता हूँ, तो इसलिए मैंने फुल प्रोटेक्शन ले लिया। मैंने कहा थोड़ा सा जो गार्ड टैंक है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्रैश गार्ड्स आते हैं, ये आते हैं लूविया की तरफ से। इन पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें दो मॉडल आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला आता है सिर्फ इंजन प्रोटेक्टर, जो सिर्फ नीचे की तरफ होता है, और ये फुल ADV स्टाइल जो कि मैंने ले रखा है। अब इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें स्लाइडर्स भी आते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये स्लाइडर्स हैं, और इन स्लाइडर्स ने कई बार मेरा पैर सामने से भी बचाया है, और जब बाइक गिरी है तो उसमें भी बचाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्रैश हुआ था जिसमें बाइक टिप मेरी तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सीरियस क्रैश हुआ था जिसमें स्लाइडर ने इम्पैक्ट ले लिया है, और कुछ हद तक काफ़ी स्लाइडर का जो है वो यहाँ से घिस गया है, ये भी बेंड हो गया है। बट जो क्रैश गार्ड है उसने परफेक्टली लाइट्स को भी बचाया, टैंक को भी बचाया, और यहाँ पे मेरा पैर आता है उसको भी परफेक्टली बचाया। अब थोड़ा सा जो क्रैश गार्ड है वो थोड़ा सा बाहर निकल के रहता है, तो मेरी एडवाइस में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये प्रोटेक्टिव है। बहुत लोग को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो जनरली एडवेंचर बाइक्स होती हैं उनमें जो क्रैश गार्ड होता है वो पूरा बॉडी से चिपक के रहता है, बट इसमें थोड़ा सा क्रैश गार्ड बाहर की तरफ है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। सो क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। 37,000 किलोमीटर्स मेरी बाइक चल चुकी है, और अभी तक बर्फ़, मिट्टी, धूल और ना जाने क्या क्या उससे मैंने इसको गुजारा, तब भी एक भी जगह ना इसका पेंट उतरा है, ना ही कहीं मुझे रस्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ों में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आउटकम आपको अच्छा ही मिलेगा। एंड बार बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये ख़राब हो गया या ये फॉल्ट आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे की बात हो गई, अब थोड़ा हम कॉकपिट की बात कर लेते हैं। कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा नाइस एंड क्लीन एंड बिज़ी लगता है, मतलब पर्पसफुल है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक मोबाइल होल्डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। ये आता है सिमटेक की तरफ से, इसमें आपको चार्जर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो चार्जर लगा हुआ है, एंड इसमें क्विक चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, एंड 18 मंथ्स की ये वारंटी के साथ आता है। यूज़ करना बहुत आसान है, इसको घुमा के इसको आप खोल दो, यहाँ फ़ोन लगा के आप इसको बंद कर दो। इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि आप इसको यहाँ से रिमूव, आप इसको यहाँ से खोल के इसको निकाल सकते हो, और यहाँ से आप ये देखो, यहाँ से एक ये कपलर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको कभी डर लगता है कि कहीं आपका कोई मोबाइल होल्डर चोरी ना करे, तो यहाँ से आप इसको खोलो, और यहाँ से इसको खोलो, और ये जो मोबाइल होल्डर की जो यूनिट है ये पूरे आप अपने साथ ले जा सकते हो। अगर कहीं 3-4 दिन के लिए आप अपनी बाइक खड़ी कर रहे हो, या किसी सुनसान एरिया में अपनी बाइक खड़ी कर रहे हो। ये चार्जर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले मैं ग्रैंड पिट स्टॉप का चार्जर यूज़ करता था, वो भी काफ़ी अच्छा चला, बट उसमें 2 बार फॉल्ट आ चुका था, तो मैंने उसको चेंज करवा लिया। पर ग्रैंड पिट स्टॉप का भी चार्जर आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है।
फिर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं, ये मैड डॉग के स्विचेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेडेड केबल है, हीट रेजिस्टेंट है एंड हाई वोल्टेज को सपोर्ट करती है, जिससे आपकी ना बाइक डैमेज होगी ना आपकी बैटरी डैमेज होगी और परफेक्टली आपकी राइड्स चल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप बहुत सारी लाइट्स लगवाएं। मैंने जो भी लाइट्स लगवाई हैं अपने राइडिंग स्टाइल और अपने राइडिंग पर्पज़ के हिसाब से लगवाई हैं एंड मैं अपनी लाइट्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करता हूँ एंड जब मेरी बाइक का इंजन ऑन होता है तभी उसे यूज़ करता हूँ। कभी भी डायरेक्ट बैटरी पर मैं अपनी लाइट्स यूज़ नहीं करता हूँ और आपको भी मैं यही एडवाइस दूँगा। फिर आ जाते हैं हैंडल ग्रिप्स पे। ये हैं ग्रिप पपीस के हैंडल ग्रिप्स, इन पे अभी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैंडल पे वाइब्रेशन कम करने के लिए और एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। काफ़ी समय से ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना हो गया मुझे इनको यूज़ किए हुए एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इनकी क्वालिटी से। तो ओवर द टाइम थोड़ा यूज़ करने पर हल्का वल्का तो कट ही जाता है, तो जब जैसे ये वॉर्न आउट हो जाएगा तो मैं एक और पेयर इनका अच्छे से इंस्टॉल कर दूंगा। फिर आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवा रखे हैं। ये एडजस्टेबल वाले हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देखने के लिए यूज़ करता हूँ या कभी मुझे अपना लगेज यहीं बाइक चलाते चलाते अगर चेक करना हो कि कोई, ये देखो आप दिख रहे हो यहाँ पर सैडल स्टे दिख रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपना सैडल स्टे बाइक पर बैठे बैठे ही देख सकता हूँ कि बैग का कोई स्ट्रैप तो नहीं लूज़ है, सब ठीक है कि नहीं ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली ट्रैफिक के लिए इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये हैं हैंड गार्ड्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अपाचे में आते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार्स। ये आप देख रहे हो, ये एक क्लिप, ये एक क्लिप, दोनों जो हैंडल बार्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक रॉड नहीं है जैसी नॉर्मल बाइक्स में आती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम किया था, इसके जो हेडलाइट जो यूनिट है उसका जो स्क्रू है वहाँ पे एक पत्ती लगा के मैंने उसे जोड़ा, बट इसको मैं अब रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लग रहा है और ये मज़बूत भी नहीं लगेगा। क्रैश में हो सकता है कि आपकी ये जो हेडलाइट यूनिट है ये इसको डैमेज कर दे या जो ये स्क्रू है ये उखड़ के निकल आए, इसकी चूड़ी जो है वो टूट जाए, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप क्लिप ऑन हैंडल बार निकाल के नॉर्मल हैंडल बार लगा लेते हैं जो कि हैंड गार्ड्स ऐसे पकड़ते हैं हैंडल को, तो वो ओके है, पर ये वाला काम आप मत करिएगा। क्लिप ऑन हैंडल बार्स पे हैंड गार्ड्स किसी भी जुगाड़ से बिल्कुल भी मत लगाना। और यहाँ पे मैंने सिमटेक का हज़ार्ड मॉड्यूल भी लगा रखा है। वैसे तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ, बट जब फॉग में होता है या रात में रोड के हाईवे के किनारे हम लोग चाय वगैरह के लिए रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो हज़ार्ड ऑन करके रख लेते हैं ताकि पीछे से कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उन केसेस में यह काम आता है। एंड मेरी एडवाइस यही होगी, हज़ार्ड को अननेसेसरली दिन में या डे लाइट के टाइम यूज़ ना करें। जब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो तभी इसको यूज़ करना बेटर रहता है, नहीं तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है या आप दिखाना चाहते हो एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तब हज़ार्ड यूज़ किया करिए। सो यहाँ पे इधर आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हो टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं अपना जो नी है उसे टक इन करके रखता हूँ जब कभी पहाड़ों पे मैं चला रहा आता हूँ, ताकि मैं आगे पीछे स्लिप ना करूँ और क्या कहते हैं मेरे टैंक से जाके चिपक ना जाऊँ। तो ये जो टैंक ग्रिप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। ओके, सो अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सैडल स्टे लगा है, ये एक बैक रेस्ट लगा है और एक ये नीचे टॉप रैक लगा है, उसके ऊपर टॉप बॉक्स की एक प्लेट लगी हुई है। तो जो भी ये पूरा सैडल स्टे बैक रेस्ट टॉप रैक लगा है ये लूविया की तरफ से आता है। लूविया इंडस्ट्रीज़ अपाचे के लिए डेडिकेटेड ये सेटअप बनाती है, तो लूविया इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट पर आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ये काम आया है, जब से मैंने बाइक ली है तब से मैं सैडल स्टे एंड क्रैश गार्ड दोनों यूज़ कर रहा हूँ। एंड थोड़ा बैग्स की वजह से यहाँ पे हल्का हल्का पेंट निकल आया है, बट अदर देन दैट और कहीं भी जहाँ बैग ज़्यादा टच नहीं होता है वहाँ पे कहीं भी ना पेंट ख़राब हुआ है ना कहीं भी रस्टिंग देखने को मिल रही है। इतना ज़्यादा हैवी यूसेज के बाद भी, 37,000 किलोमीटर चलने के बाद भी बैक रेस्ट आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक सॉफ्ट सा कुशन यहाँ पे आता है तो पीछे पिलियन की लंबर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप ऐसा एक टॉप बॉक्स लगा लेते हो तो टॉप बॉक्स में भी पीछे बैक रेस्ट आता है तो पिलियन को एक कम्प्लीट सपोर्ट। फिर ये आ जाती है यहाँ पर ये टॉप प्लेट, तो टॉप प्लेट भी लूविया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। टॉप प्लेट का राउंड कैरिंग के वेट अगर मैं बताऊं तो 6 to 7 kgs है। वैसे तो लूविया वाले 10 kgs क्लेम करते हैं, बट 10 kgs टॉप प्लेट मत डालना, ये पूरी झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी।
5 kgs तक ही रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 kgs, उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। तो पीछे भी LED इंडिकेटर्स लगे हैं और यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लाइट लगवाई है। कई बार क्या होता है, जब कभी टेल बैग लगता है या चलाते चलाते कई बार क्या होता है, जो पीछे की जो टेल लाइट होती है ना, कई बार वो ढक जाती है, कीचड़ लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें यह टेल लाइट ज़रूर काम आती है। ये रेड कलर की टेल लाइट है, जैसा ये जलता है तो आप ये भी करवा सकते हो। फिर पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अपोलो का डुअल पर्पज़ टायर लगा है, जैसा मैंने आगे बताया था वैसा सेम लगा है। ये एक साइज़ अप है ये भी, और एक साइज़ अप वो भी है। एंड ट्रस्ट मी यार, एक साइज़ बढ़ाने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा मुझे फीडबैक मिला, एंड मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी मिला। प्लस मेरा आगे सामने जो है हैंडल वॉबलिंग का जो प्रॉब्लम था, वो एक साइज़ अप टायर लगवाने से सही हो गया, क्योंकि मैंने टैपेट चेंज करा लिया, फोर कॉइल चेंज करा लिया, बैलेंसिंग करा ली, तब भी वो सही नहीं हुआ। बट जैसे मैंने टायर चेंज कराया, इट गॉट फिक्स्ड। तो अगर आपको लगेज सॉल्यूशंस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बैकरेस्ट के साथ एक ऐसा टॉप बॉक्स लगा लेंगे जिसमें बैकरेस्ट आता है ऐसा, तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो पीछे पिलियन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप जान सकते हो कि जो ऐसी कम्यूटर बाइक्स होती हैं उनके पीछे ज़्यादा सीट कुशनिंग नहीं होती है। मेरी सीट तो काफ़ी ब्रॉड है एंड कम्फर्टेबल है, बट पिलियन के लिए थोड़ा अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड एज आई सेड, अराउंड 36,000 किलोमीटर्स मेरी बाइक चल चुकी है। एक्चुअली 37, मैंने गलती से बोल दिया, 36,000 किलोमीटर्स मेरी बाइक चल चुकी है। देखो ऑलमोस्ट 36 होने ही वाला है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने अपनी बाइक में करवाए हैं ओवर द टाइम। एंड एक चीज़ मैं और बताता हूँ, सारे एस्थेटिक्स हैं, सारे पर्पसफुल हैं जो मेरे काम आते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड मॉडिफिकेशन मैंने एज सच कुछ नहीं कराया, क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है, दिस इज़ अ 20 BHP मोटरसाइकिल, तो इसमें मैं क्या ही परफॉर्मेंस टर्न आउट कर लूँगा, करेक्ट। और मैं इसको रेसिंग वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ टूरिंग के लिए यूज़ करता हूँ, एंड टूरिंग के लिए इसमें एम्पल पावर है। बस एक चीज़ जो मैंने चेंज कराई है वो है इंजन ऑयल, मैं कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट इसमें यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज में 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज में इंक्रीज़ दे देता है, एंड बेटर इंजन रिफाइनमेंट एंड बेटर गियर शिफ्ट्स में हेल्प करता है। सो दिस वॉज इट गाइज, ये था मेरा मेरे अपाचे का मेरा मॉडिफिकेशन की पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ऐसी और वीडियोस के लिए द मलंग मैन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं अपनी बाइक पे अभी काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, एंड अभी मैं अपनी लाइफ की सबसे लंबी यानी 25 to 30 days की एक लॉन्ग ट्रिप पर निकलने वाला हूँ, तो उसकी वीडियोज़ बहुत जल्द आएंगी। तो मैं कैसी ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, इसका आइडिया लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी अलग अलग जगह की ट्रैवल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बाइक में जो भी कराएं, वो इस किसी को देख के बिल्कुल मत कराएं, हमेशा अपने हिसाब से चीज़ें करवाएं। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ज़रूरी है तो ही कराएं, अगर लगता है कि ज़रूरी नहीं है तो मत कराएं। आपकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मेरी बाइक आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताना। ये ट्रैवल करते हुए कैसी लगती है, कुछ क्लिप्स मैं डाल दूंगा, एंड आप ट्रैवल वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। आई एम रियली एक्साइटेड आप लोगों के साथ और अपने ट्रैवल वीडियो शेयर करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस अपनी बाइक पे बताने के लिए। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, लव यू ऑलवेज, एंड मिलेंगे एक और वीडियो का आगाज़ करते हुए। मैं हूँ आपका द मलंग मैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।